दिल्ली NCR में मौसम करवट लेने वाला है। भीषण गर्मी और लू से त्राही त्राही कर रहे लोगों को गुरुवार को हल्की राहत मिलने के आसार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की तेज हवाएं चलने की अनुमान जताई है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिलने वाली है। इसी बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्र में भीषण गर्मी का दौर जारी है। IMD ने बुधवार को कहा कि मॉनसून की 30 जून के आसपास दिल्ली NCR में पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। IMD वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हमने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। 30 जून के आसपास दिल्ली NCR में मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन फिलहाल बस यही नजर आ रहा है कि बदलता हुआ मौसम अब सुहाना हो रहा है और लोगों के लिए काफी खुशी की बात नजर आ रही है। लगातार 1 महीने से अधिक समय से प्रचंड गर्मी और लू से जूझ रहे NCR को बीते बुधवार की रात से थोड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि रात करीब 10 बजे से मौसम अचानक बदल गया और धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है आज, जिससे तापमान में कुछ कमी आई है। वैसे पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो हापुड़, मेरठ, बागपत समेत हरियाणा के कई इलाकों में मौसम के इस बदलाव का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली NCR में हालत में काफी सुधार की बात कही है। विभाग ने बताया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनी हुई है, जिसमें 2 दिनों तक राहत मिल सकती है। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में बारिश ना होने से गर्मी की स्थिति जानलेवा बनी हुई थी। यूपी के अलग अलग जिलों की बात करें तो जहां बुधवार को भीषण गर्मी से 91 लोगों की मौत की खबर है, जबकि दिल्ली में लू और तेज गर्मी से 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो गई है। इसमें RML अस्पताल में 5 लोगों की मौत हुई है, सफदरजंग अस्पताल में 2 लोगों की मौत और LNJP अस्पताल में 6 लोगों की मौत शामिल है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 22 और नोएडा में 14 लोगों की इस भीषण गर्मी के चलते मौत हो गई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान ने 55 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मौसम विभाग के सफदरजंग केंद्र के अनुसार 18 जून की रात न्यूनतम तापमान का पारा लगभग सामान्य से 8 डिग्री अधिक और 35.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जो 1969 के बाद सबसे ज़्यादा दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आज अच्छी बारिश हो सकती है। अनुमान जताया जा रहा है कि दिन का तापमान करीब 1 महीने के बाद 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रह सकता है। इसके अलावा आंधी की भी संभावना दिल्ली में बनी हुई है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।